चलिए इस बीच ये भी देख लेते हैं कि इस समय ब्रोकर्स की पिक कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पर वो ट्रेडर्स पिक कौन कौन सी है जो कि इस समय खरीदारी के साथ। एसएमसी ग्लोबल, इनका कहना है कि आपको कोलगेट पर खरीदारी करनी चाहिए, 855 के टारगेट के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिएगा 830 का, यानी यहाँ से करीब 10 रुपये नीचे। और साथ ही और एक काउंटर जहाँ पर इनकी तरफ से खरीदारी की सलाह है वो है इन्फोसिस, 1260 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रखिएगा 1220 का। लेकिन काउंटर इस टारगेट से बेली 15 रुपये दूर इस समय ट्रेड करते हुए। अगर आप भी अंतिम बाजी में अपने पसंदीदा शेयर्स पर सलाह चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर है 7840002000, इस पर आप हमें व्हाट्सएप करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। अब BTST कॉल्स क्या हैं ये सबसे पहले देख लेते हैं। साक्षी हमारे साथ, बताइए साक्षी। शुक्रिया मिहिर। पहली BTST कॉल्स जो दी हैं प्रदीप और चंदानी की तरफ से हैं, बाटा पर खरीदारी की राय दी है, टारगेट बताया 550 का और स्टॉप लॉस बताया 505 का। इसके अलावा पुंछ लॉयड पर भी पॉजिटिवली बेट कर रहे हैं, खरीदारी की सलाह है इनकी तरफ से, टारगेट बताया 24.80 का और स्टॉप लॉस बताया 22.70 का। निकिता सुरेखा की तरफ से एविएशन स्पेस में से स्पाइस जेट पर राय है, खरीदारी की सलाह दे रही हैं, टारगेट बताया 74 का और स्टॉप लॉस हम नीचे में मेंटेन कर सकते हैं 66 का। LNT पर भी ये बुलिश है और खरीदारी की राय दे रही हैं, टारगेट बताया 1250, स्टॉप लॉस नीचे में हम लगा सकते हैं 1215 का। आखिरी BTST कॉल जो है अमित हर्षेकर की तरफ से है, टेलीकॉम स्पेस से आइडिया पर ये पॉजिटिवली बेट कर रहे हैं, टारगेट बताया 118 का और स्टॉप लॉस नीचे में लगा सकते हैं हम 108 का। इनकी तरफ से जो आखिरी पिक है वो रिलायंस कैपिटल पर है, खरीदारी की सलाह है यहाँ पर भी, टारगेट बताया 400 का और स्टॉप लॉस नीचे में हम लगा सकते हैं 378 का। ओके साक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर देखें तमाम कॉल्स थी, अगर देखें इसमें आर कैप का भी जिक्र, 384 75 पे काउंटर करवा कर रहा है।